तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जिस बंदे की बात करने जा रहे हैं ना, वो बंदा YouTube पर इतने जल्दी ग्रो किया है जैसे बिजली चमकती है और हमें दिखाई भी नहीं दे। वैसे यह बंदा YouTube पर स्टार से सुपर स्टार बन गया। पर मेरे भाई YouTube में तो जल्दी ग्रो हो गया, पर क्या पता उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी हो। हाँ, ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। वो बंदा ने बहुत मेहनत की है YouTube पर आने से पहले, क्या किया कैसे किया सब कुछ जानेंगे सिर्फ 2 मिनट में। तो हम बात कर रहे हैं हर्ष बेनीवाल की, जो मोस्ट पॉपुलर इंस्टाग्राम पे सालों साल मरवाने के बाद अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाने के बाद यूट्यूब पर आए और कुछ समय में लोगों के दिलों में बसते जा रहा है। हर्ष का जन्म 13 फरवरी 1996 को पीतमपुरा नई दिल्ली में हुआ था। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हर्ष बेनीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें बचपन से एक्टिंग करना बहुत पसंद था और उसी एक्टिंग से वो बचपन से भी सभी को हंसाया करते थे। उन्हें पेट लवर भी कहा जाता है। वो अपने पेट्स को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। हर्ष ने शुरुआती पढ़ाई महाराज अग्रसेन मॉडल स्कूल से की और 12th की पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीखा करते थे और इसी डांस की वजह से हर्ष अपने स्कूल से बहुत पॉपुलर हुए थे। 12th के बाद इन्होंने और बिंदो कॉलेज में BA से एडमिशन ले लिया, पर उसके बाद ही वो विप्स में माइग्रेट हो गए BCA प्रोग्राम के लिए। हर्ष कॉलेज बहुत ही कम जाया करते थे। हर्ष की सोशल मीडिया पर स्टार बनने की शुरुआत हुई मई 2015 से और उनकी शुरुआत का कारण था डब्स स्मैश। 3 मई 2015 को हर्ष ने पहला डब स्मैश इंस्टाग्राम पर, 5 मई 2015 को पहला वाइन वीडियो यूट्यूब पर और 6 मई 2015 को उन्होंने पहला फेसबुक पेज ब्रेन हुमर बनाया। शुरुआत में फेसबुक पर उनके दोस्तों ने उसकी बहुत आलोचना की और साथ ही में उनके बहन के दोस्तों ने भी उसका बड़ा मजाक उड़ाया। उनसे ये कहा कि ये क्या चुन्नी पहन के ये सारे काम किया करते हो। लेकिन हर्ष ने कभी हार नहीं मानी और सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी एक्टिंग पर ध्यान दिया और वाइंस बनाते रहे। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। वैसे भी हर्ष कभी जॉब नहीं करना चाहते थे और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। एक बार हर्ष अपनी मौसी के घर पर थे और बहुत ज्यादा परेशान और डरे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी माँ को कॉल किया और वो बोला व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आए। उनसे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो रो रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं आगे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि आप जिस काम में अच्छे हो उसी काम को आगे बढ़ाओ, आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा है और रहेंगे। उनकी माँ पहले से ही उनको बहुत सपोर्ट करती थी। उनके लिए शुरुआत के वीडियो में उनकी माँ ने कैमरा तक हैंडल किया है और हर्ष बेनीवाल माँ का पार्ट सीरीज में अपनी माँ के लिए उनके लिए स्टार्टिंग के वीडियो में इम्पैक्ट उनकी माँ ने कैमरा हैंडल तक किया है यूज करते हैं। इसी बीच हर्ष ने BCA सेकेंड ईयर से कॉलेज में ड्रॉप आउट ले लिया ताकि वो अपने शॉर्ट वीडियो और तरीके से बना सके। ओके, मायूस न यू, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे जनाब, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। उन्होंने वाइंस ने नए नए आइडियाज सोचे और उन पर काम करना शुरू किया और अपने काम के साथ ही फेमस होने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें इंस्टाग्राम में स्टार बना दिया और कुछ दिनों बाद जब उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया तब वो भाग के अपने दोस्त अंकित के घर गए। वहाँ पर अंकित, प्रतिष्ठा और हर्ष बेनीवाल बहुत रोए, वो भी खुशी के कारण। इसके बाद कभी भी हर्ष बेनीवाल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज भी बढ़ते जा रहे हैं, लाखों से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो यही कहानी है हमारे हर्ष भाई की। जाने से पहले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आराम से मेरे भाई, तो मिलते ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।